हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज हम अपने शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक की 9th क्लास को। तो गाइस, जुड़े रहिए वीडियो से और आज हम अपनी 9th क्लास को स्टार्ट करेंगे काफ़ी अमेजिंग तरीके से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं अपने MS Word को ऑन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर देखिए, MS Word ऑन हो चुका है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ब्लैंक पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो क्लियर करा था, अपने इंसर्ट ऑप्शन को हमने पूरा फिनिश कर दिया था। इंसर्ट ऑप्शन ने एंड तक फिनिश कर दिया था। अगर आप लास्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, सॉरी अगर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप हमारी लास्ट टाइम वीडियो को, या फिर आपको आई बटन में भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए गाइज, यहाँ से अब जल्दी से हम अपने 9th क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे होम के ऑप्शनों से। तो अब आपके होम के ऑप्शन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से होम के ऑप्शन काफ़ी अमेजिंग है। हम होम के ऑप्शनों को दो वीडियोज़ में क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आज हाफ वीडियो आप देखिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है होम में कट। इस कट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, देखिए कभी कभार हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कट, इस कट का क्या यूज़ है। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले कुछ ना कुछ मैटर लिखा होना चाहिए, तभी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर मैटर को लिख लेते हैं। जो हमारा मैटर है इजिकल्स टू आर एंड वाला, वो लिख लेते हैं, जो MS Word हमें अपनी तरफ से एक स्टोरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। अगर इसे ब्लैंक पेज पे यूज़ करते तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, बट लेकिन होम के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ मैटर होना चाहिए ज़रूर। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो जी हाँ गाइस, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे मैटर आ चुका है। मैं आपको बता दूँ, होम के ऑप्शनों का यूज़ करने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारे स्क्रीन पर कुछ ना कुछ मैटर लिखा होना चाहिए, तभी हम होम के ऑप्शनों का यूज़ कर पाते हैं। एंड सेकेंड इसकी, जिस ऑप्शन को हमें यूज़ करना है, उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए पहले हमें उतना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में हमें काम करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला क्लियर कर लिया है, जितना मैटर हमें चाहिए था उतना हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ कट ऑप्शन देखिए अभी बंद आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी नहीं एक्टिव है ये। इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम इस पहले वाले पैराग्राफ को जो यहाँ ऊपर लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ क्लिक करना है, देन इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब इस ऑप्शन का क्या यूज़ है, मान लीजिए ये पैराग्राफ जो ऊपर लिखा है 3 lines का, ये यहाँ पर नीचे लिखा जाना था, लेकिन गलती से आपने टाइप करते समय से ऊपर टाइप कर दिया या किसी मिस्टेक से ये ऊपर चला गया। अब आप इसे नीचे लिखना चाहते हैं, तो अगर लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप चाहते हैं ये जैसा है वैसी का वैसी पूरा मूव होकर नीचे आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको पूरे को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करने के बाद एक बार आपको कट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे ये चला जाएगा सिस्टम के अंदर, और उसको निकालने के लिए आपको पहले कर्सर वहां लाना है जहां पर भी आपको पहुंच, मतलब उसको मैटर को लेके आना है। देन आपको कर देना है पेस्ट, और देखिए वो स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार फिर यूज करके देखेंगे, सबसे पहले हमें ऊपर वाला पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और यहां से लाइन को करना है कट। देन नीचे या एरिया में लाके यहाँ कर देना है आपको पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन को निकालने के लिए आप इसके लिए कंट्रोल सी से कॉपी या सॉरी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपी। कॉपी का क्या यूज़ होता है, देखिए अगर ये जो पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ को मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो मुझे यहाँ पर दोबारा से इजिकल्स टू आर एंड स्टोरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। और हम चाहते हैं कि ये जैसा जैसा लिखा है सेम ऐसी नीचे प्रिंट हो जाए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरे को। देन एक बार कॉपी पे क्लिक करेंगे और अब उसको यहाँ पर निकालने के लिए हम यहाँ पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो निकलता चला जाएगा काफ़ी सारा मैटर, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ लाइक कंप्यूटर और मैं चाहता हूँ इस कंप्यूटर वर्ड को 10 बार लिख दिया जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन एक बार कॉपी पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेस्ट करते चले जाएंगे। देखिए 10 बार ऐसे हम कर सकते हैं इसको, और अगर ये हट भी जाएगा तो भी गाइस टेंशन मत लीजिएगा, अभी भी ये सिस्टम के अंदर है, जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट होगा, तो काफ़ी अमेजिंग है ये। चलिए ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ सेलेक्ट करा और यहाँ से देखिए एक बार इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है। फॉन्ट स्टाइल पे जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से वर्क करते समय कोई अच्छा सा स्टाइल पसंद करके ऐसे ले लिया था, लाइक जैसे मैं कोई स्टाइल ले लेता हूँ, ये फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। और अब स्टाइल लेने के बाद आपने इसमें बहुत सारी एडिटिंग कर दी है, आप चाहते हैं जैसा ये स्टाइल ऊपर है सेम ये नीचे भी आ जाना चाहिए, बट आपको ये स्टाइल नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले इस वाली जो पैराग्राफ है इसके एक दो वर्डों को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे के लिए फॉर्मेट प्रिंटर उसको स्कैन कर सके। मैं आपको बता दूं, कट और कॉपी जो है ये तो पूरे वर्ड को ही मूव कर देते हैं, मतलब या वर्ड का डुप्लीकेट बना देते हैं, लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर जो है ये वर्ड के केवल स्टाइल को कॉपी करता है। तो यहाँ से जो इसका स्टाइल है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हमें वर्ड सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मेट प्रिंटर पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो हमारा ये फॉर्मेट प्रिंटर थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, एंड सेकंड इसकी जब हम नॉर्मल राइटिंग पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा देखिए। और इस ब्रश को आप जितनी नॉर्मल राइटिंग पे ऐसे घुमा देंगे और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्टाइलिश राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी अमेजिंग है। देन अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल वाले पैराग्राफ में से दो चार वर्डों को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए भले ये नॉर्मल है पर है ये स्टाइली, और एक बार फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और ये भी हाईलाइट हो चुका है। देन यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो ब्रश बन रहा है, इस ब्रश को स्टाइलिश बाय राइटिंग पे से घुमा दीजिए, देन छोड़ दीजिए और ये सिंपल हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का ये यूज़ है। नेक्स्ट है बोल्ड। अगर हमें कुछ सेंटेंस की लाइनों में थोड़ा डार्क करके दिखाना होता है तो यहाँ से बोल्ड का यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको केवल सेलेक्ट करना है और बोल्ड पे क्लिक कर देना है, वो बोल्ड हो जाएगा। जो कमांड जिससे दी जाती है वही कमांड उससे हट भी जाती है। तो देखिए जिससे हमने बोल्ड करा है उससे हम अनबोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड अनबोल्ड कुछ इस तरीके से। इस लाइन इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसे कर देंगे अनबोल्ड। इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे बोल्ड। नेक्स्ट है इटैलिक। देखिए इस वाले पैराग्राफ को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ देन इटैलिक करेंगे तो थोड़े बहुत तिरछे हो जाएंगे। इनका यूज सेंटेंस या कुछ विशेष लाइनों के लिए होता है जिसे थोड़ा हमें दिखाना होता है, कुछ इस तरीके से। इटैलिक अन इटैलिक आप थोड़े तिरछे हो गए हैं, आप थोड़े सीधे हो गए हैं, आप जैसा सोच सकें। देन नेक्स्ट है अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन मैं थर्ड वाले पैराग्राफ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे। अंडरलाइन वर्डों के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए है, जिससे के लिए वो चीज़ थोड़ी हाईलाइट होकर सही तरीके से दिखाई दे, आपको समझ में आए। तो अब आपको अंडरलाइन वाला विषय थोड़ा विशेष करके पढ़ना है, पता नहीं क्या लिखा है, हमें नहीं पता, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से स्ट्रोक थॉट का क्या यूज़ होता है, जैसे अगर आपको लगता है कि यार ये लाइन इस पैराग्राफ में क्या कर रही है आखिर लाइन यहाँ पर ये बीच में, तो आप क्या कर देंगे, इसे कट कर देंगे इस तरीके से। और आप कह रहे हैं यहाँ पर ये लाइन क्या कर रही है, ये तो इसे जानते भी नहीं, तो कट कर दीजिए इस तरीके से। तो आप जब इसे पढ़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये लाइन यहाँ पर काटी गई है, इसका मतलब इस लाइन का यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट है या ये सेंटेंस में लाइन गलत आ रही है। तो आप इस तरीके से मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके की चीज़ों को करा जाता है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बार कट पर क्लिक करके इसको अनकट कर देंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का गाइस क्या यूज़ होता है, जैसे देखिए आपने जैसे कोई फॉर्मूले देखे होंगे साइंस में, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा K2SO4, जैसे मैंने इस तरीके से एक साइंस का छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया K2SO4। तो साइंस में जो ये पावर्स होती हैं 4 ये 2 ये सब नीचे की तरफ होता है, तो इसको आपको केवल 4 को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ से कर देना है सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आपको 2 को सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 वर्ड को सेलेक्ट करना है 2 को और ऐसे कर देना है सबस्क्रिप्ट, ये नीचे आ जाएगा। अगर वापसी से पहले ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर देंगे दोबारा से उसी पे क्लिक, सेलेक्ट करके दोबारा से उसी पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं लिखता हूँ A² + B² और ये जो स्क्वायर है वो ऊपर की ओर होता है तो हम इसे ऊपर भेजना चाहते हैं, तो इस 2 को सेलेक्ट करेंगे देन यहाँ से कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए ऊपर आ जाएगा। नीचे लाने के लिए यहाँ से करेंगे अनसुपर स्क्रिप्ट और सेलेक्ट करके अनसुपर स्क्रिप्ट। थोड़ा मैं स्क्रीन जूम कर लेता हूँ जिससे के लिए आपको थोड़ा तरीके से दिखाई दे, अब गाइस शायद आपको अच्छा दिखाई देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा, ये काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है। जैसे पहले वर्ड आर्ट के अंदर ये ऑप्शन दिया जाता था, इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके, देखिए हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है एंड देन यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स पर, तो देखिए यहाँ से आप टेक्स्ट को कुछ यूनिक स्टाइल दे सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है। आप इस तरीके से अपनी घर की दीवारों को भी सजा सकते हैं नैरोलेक पेंट की मदद से, बट ये कोई नैरोलेक वाला पेंट का ऐड नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ओह माय गॉड, काला फेस, क्या कूल लग रहा है ना। और भी इसके अंदर देखिए स्टाइल है, यहाँ पर आउटलाइन है, आप आउटलाइन का कलर अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर है शेडो, अगर आप देखिए वर्ड के अंदर शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो भी दे सकते हैं। ओह माय गॉड, एंड देन यहाँ पर जाएंगे दोबारा से, देखिए शेडो से जस्ट नीचे है यहाँ से रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। ऊ ला ला, इस तरीके से। एंड यहाँ पर जाएंगे देन नेक्स्ट है ग्लो, आप ग्लो दे सकते हैं, देखिए
आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, देख देख के हो कैसा ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पे। यहाँ से नंबर स्टाइल आप इसमें नंबर भी कर सकते हैं। ओ माई गॉड, इसका मैं यूज़ अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। देन यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए इस तरीके से, अभी इसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये इसी के इफेक्ट्स के स्टाइल है, आप एक बार यूज़ करके देखेंगे तो आपको इनका इफेक्ट का पता चलेगा। सिंपल मैं कर देता हूँ फिलहाल इसको थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा एडिट नहीं दिखाना है। मैं आपको बताऊँगा इसे सिंपल कैसे कराया मैंने। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है हाइलाइटर। तो जैसे आप कुछ लाइनों को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, केवल सेलेक्ट करना है, इस पॉइंट पर जाना है और उसको हाईलाइट कर देना है, कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है। ये लाइन बहुत ज़्यादा खास है तो यहाँ पर जाकर इसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट ये लाइन आपको काफ़ी काम की लग रही है तो यहाँ पर जाना है, तो आप इसे ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट नहीं करना है तो आपको प्रॉपर सेलेक्ट करके इस पॉइंट पर जाना है, यहाँ कर देना है नो कलर, सिंपल हो जाएगा। ओके गाइज, तो सिंपल डिज़ाइन देखिए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये है टेक्स्ट कलर। अगर आप टेक्स्ट को कलर करके दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, सिंपली आप ऐसे कलर करके दिखा सकते हैं। जैसे रेड कलर, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कलर पर जाइए, ऐसे देखिए ब्लू कलर, एंड इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कलर पर जाइए, यहाँ से कुछ और यूनिक कलर आप कर सकते हैं, जैसे रेड कलर, ऐसे जो भी आप कलर चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से साइज देखिए, इससे साइज इंक्रीज इससे साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इससे साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज डिक्रीज, आप नंबर से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी का क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे कि वर्ड आर्ट में वर्ड का साइज इंक्रीज करने के लिए मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ मैक्सिमम देखिए 72 है नंबर की मदद से। आप इसे और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिलहाल यहाँ नंबर जो हाईएस्ट इसका होता है वो 72 होता है और मिनिमम जो है इसका वो 8 है ना। और इसका नॉर्मल बात की जाए इंग्लिश फॉन्ट की, वो होता है 11, तो आप 11 नॉर्मल कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास चेंज केस। चेंज केस का क्या यूज होता है, तो चलिए चेंज केस सीखते हैं, इसको सिंपल कर देते हैं। पहले मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ लिखने के बाद आपको याद आया कि ओ माय गॉड, इसे तो हमें कैपिटल में लिखना था, हमने गलती से स्मॉल में लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ है। आपको केवल क्या करना है, अपने पैराग्राफ को सारे को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, एंड देन यहाँ से आपको जाना है चेंज केस पे, और यहाँ से आपको देखिए ऐसे कर देना है इसमें जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है अपर केस। अपर केस जैसे करेंगे देखिए सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, एंड देन यहाँ पर जाके अगर आप लोअर केस करेंगे तो सारे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे, आपको कोई कैपिटल नहीं दिखेगा इसके अंदर। और अगर आप सेंटेंस केस कर देंगे तो पहले जैसा कर देगा। दोबारा देखिए, अपर केस से सारे कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस से सभी स्मॉल हो जाएंगे, और यहाँ जाके अगर आप कर देंगे सेंटेंस केस तो ये देखिए पहले जैसा हो जाएगा। इसके नीचे एक और दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आप हर नहीं अपनी स्पेलिंग का हर वर्ड को कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी हर स्पेलिंग के पहले वर्ड को कैपिटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कैपिटल कर देना है, एंड देन अगर नहीं करना चाहते तो आप भुइया के खेत में जाइए, मतलब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है एक टोंगल केस। अगर आप टोंगल केस कर देते हैं तो आपकी स्पेलिंग के पहले वर्ड सब स्मॉल हो जाएंगे और बाकी सब हो जाएंगे कैपिटल। अदरवाइज यहाँ पर जाकर आप इस तरीके से अपर केस, और यहाँ जाकर कर सकते हैं सेंटेंस केस पहले जैसा। और यहाँ पर आज के लिए लास्ट ऑप्शन है क्लीन फॉर्मेटिंग, क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। इसका क्या यूज़ है, मान लीजिए आपके पैराग्राफ को किसी ने सेलेक्ट करा इस तरीके से सेलेक्ट करके और उसकी धज्जियाँ उड़ा दी इस तरीके से, इसमें अंडरलाइन और ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट और ये वो गुहियाँ वट्टी सब कुछ कर दिया, थोड़ा इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा ये सेंटेंस बिगाड़ दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक स्मार्ट आदमी की तरह आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, देन आपका टेक्स्ट हो जाएगा नॉर्मल। दोबारा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से कितना भी इसको बिगाड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे नशे की आदत डाल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, केवल एक बार आपको इस क्लीन फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देना है और ये हो जाएगा नॉर्मल। इस तरीके से आप क्लीन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है। एंड तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो होम ऑप्शन है उसे पूरा फिनिश कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे डिज़ाइन ऑप्शन की ओर। तो यहाँ से आज के लिए वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू गाइस एंड बाय।